नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की हिंदी। क्लास 8th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 3, चिट्ठियों की, चैप्टर 4, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जो जो ये चैप्टर है, ये हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार्ट ही किया है, शेष रह गया था हमारा चैप्टर। तो इसको हम शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या इस चैप्टर में हमें बताया गया है चिट्ठियों के बारे में। तो चिट्ठियां, आपने कभी ना कभी आपने अपने जीवन में बहुत सारे नामों से चिट्ठियों को जाना जाता है। चिट्ठियों को पत्र, चिट्ठी, संदेश, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पत्र आपने भी लिखे होंगे, स्कूल में लिखे होंगे, या फिर अपने जो रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को पत्र, छोटे मोटे पत्र तो अवश्य ही लिखे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये एक लेख है जो कि अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया है पत्रों के बारे में। तो क्या पत्रों की महत्ता हमारे जीवन में है, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, बहुत सारे संचार के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हम करने लगे हैं, फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, SMS, इंटरनेट। उसके बावजूद भी आज के समय में पत्रों की क्या महत्ता हमारे जीवन में है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और हमारे देश के विकास में, हमारे साहित्य के विकास में पत्रों का क्या योगदान रहा है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चूंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर को पहले ही शुरू कर चुके हैं क्योंकि चैप्टर हमारा बीच में ही रह गया था। तो हम इसको शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि क्योंकि चैप्टर महत्वपूर्ण है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। जो लेटर्स हैं, जो चिट्ठियां हैं, उनकी दुनिया बहुत ज्यादा अजीब और अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, उनकी जो महत्ता है, उपयोगिता है, वो हमेशा से बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा संचार के आधुनिक उपकरणों का हम प्रयोग करने लगे हैं। तो जिसमें हम मैसेज तो कर देते हैं, पत्र तो भेज देते हैं, संदेश तो भेज देते हैं, लेकिन जो काम पत्र कर सकते हैं, वो काम आज का जो ये संचार के साधन है आज के, वो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS हमें नहीं दे सकता। अगर हम किसी चीज को पत्र के द्वारा एक्सप्लेन करें, पत्र के द्वारा किसी को अपनी बात समझाएं, और उसी बात को हम फोन करके या SMS करके किसी दूसरे को बताएं, तो जो एक संतोष है, जो एक हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, अर्थात पत्रों का एक नया ही, एक अलग ही पत्रों की दुनिया होती है और एक नया सिलसिला पत्रों से शुरू होता है। राजनीति हो, साहित्य हो, कला हो, हर क्षेत्र में जो भी नई घटनाएं होती है, नया विवाद उत्पन्न होता है, उसका ज्यादातर, उसकी जो जड़ होते हैं, वो पत्र ही होते हैं। दुनिया में, दुनिया का जो तमाम साहित्य है, वो पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो इस बात को आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि मानव सभ्यता की के विकास में पत्रों की जो भूमिका है, वो बिल्कुल अलग है और अनूठी है। ठीक है, पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है। जो पत्रों के जो भाव होते हैं, वो सब जगह एक जैसे होते हैं, भले ही उनके नाम अलग-अलग हो। पत्रों के भाव, चाहे मैंने कहा कि हर राज्य में
हर जगह में, क्योंकि भाषा की केवल यहाँ पर बात है, तो भाषा भले ही भाषा में पत्रों के नाम अलग अलग हों, लेकिन जो भाव होते हैं वो सब जगह एक जैसे होते हैं। और यहाँ पर जो ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तो पत्रों के जो ये नाम है, ये आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तिका में भी, आपके जो ये यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका है, इसमें भी एक प्रश्न है, और परीक्षा में भी आपका ये प्रश्न आ सकता है कि अलग अलग भाषाओं में आपके जो पत्र है उनका नाम क्या होता है। तो जैसे अगर उर्दू में कहा जाए तो खत कहते हैं, संस्कृत में कहा जाए तो पत्र कहते हैं, कन्नड़ में पूछा जाए तो कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद। और आपने देखा होगा आम बोलचाल की भाषा में पत्रों को चिट्ठी या फिर संदेश कहकर भी जाने जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि चिट्ठी आई है हमारी, है ना, या फिर संदेश आया है। तो इस तरह के अलग अलग नामों से हम पत्रों को जानते हैं, और पत्र जो है वो यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। अब भले ही समय परिवर्तित हो गया है, आप 8th क्लास में हैं, आपने भले ही पत्र जो एक ऑफिशियल पत्र आपने लिखे होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा पत्र जो आपने अपने दादा दादी को लिखा हो, या नाना नानी को लिखा हो, या फिर अपने बड़े भाई को लिखा हो, या फिर अपने मित्र को लिखा हो, शायद ही ऐसा कोई पत्र होगा, लेकिन आपके माता पिता को आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि पत्रों के विषय में बात करते हुए या पत्र लिखते हुए, क्योंकि पत्र जो होते हैं उनकी एक अलग ही महत्ता होती है। और पत्र अगर हमारे रिलेटिव से जुड़े हो, हमारे रिश्तों से जुड़े हो, हमारे नातों से जुड़े हो, तो वो हमारी यादों को सहेज कर रखने वाले भी होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। देखिए, हर व्यक्ति जो होता है उसकी पत्र लेखन की अपनी एक कला है। पत्र लेखन भी एक क्या है, कला है, कि आप कितने कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात को बता सकते हैं, आप पत्र को कितना इमोशनल बना सकते हैं, आप पत्र को कितने प्रेम से भरा हुआ बना सकते हैं, आप पत्र को कितना ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं अपनी कला से। और दूसरा दायरा, यानी कि कौन सा पत्र आप लिख रहे हैं और उस पत्र का कितना दायरा है, कितनी सीमा है, कि किस सीमा तक, किस हद तक आपने वो पत्र लिखना है, उसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी है। तो हर एक जो पत्र है, हर एक व्यक्ति जो है, उसकी पत्र लेखन की अपनी कला है, और हर एक पत्र का अपना दायरा है, यानी कि हर एक पत्र का अपना एक लिमिट है कि आपको ये पत्र इस लिमिट तक लिखना है, इतनी ही बातें केवल आपने इस पत्र में लिखनी है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। दुनिया भर में करोड़ों जो पत्र है वो अपने ठिकानों को ढूंढते हुए, यानी कि उन्होंने कहाँ पहुंचना है, वो पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। केवल और केवल भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, अर्थात पत्रों की कितनी ज्यादा महत्ता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। देखिए, पत्रों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ बातें कही थी जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या बातें कही थी, कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे, यानी कि रनर्स, हर कारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो पत्र संचार करने की, जो संदेश भेजने का तरीका आज है, ये संदेश भेजने का तरीका पुराने जमाने में
पिछली शताब्दियों में नहीं हुआ करता था। तो पहले के समय में, अगर राजाओं के समय की बात की जाए, तो उस समय पत्रों को आपने देखा होगा, चिट्ठियों को, संदेश को कबूतरों के माध्यम से, या फिर जो संदेश देने वाले व्यक्ति होते थे उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। और उसके बाद हरकारे, हरकारे अर्थात रनर्स, जो बहुत तेज दौड़कर, क्योंकि उनका काम, देखिए हर एक व्यक्ति का जो काम होता है वो निश्चित होता है। जैसे हलवाई का काम है मिठाई बनाना, और मोची का काम है जूते पॉलिश करना, या तो हर एक व्यक्ति का जो काम है वो निश्चित होता था। तो एक व्यक्ति होता था हरकारे अर्थात रनर, जिसका काम होता था संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। तो वो अपने काम को दौड़ दौड़ कर, यानी कि बिल्कुल एक तेज रफ्तार में चलकर या दौड़कर पूरा किया करते थे। और उसके बाद घोड़े आए, और उसके बाद पहिए आए, अर्थात उसके बाद जो घोड़ा गाड़ी बनी, या फिर ट्रेन जो बनी, पहिए वाली ट्रेन, वो आए। तो इस तरह पत्रों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो काम है, वो पहले से, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग-अलग था। उसके बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। देखिए, क्योंकि पत्रों के संचार में जब से रेलवे और तार की सुविधा हुई, तब से बहुत ज्यादा पत्रों के संचार में बदलाव देखने को मिला। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पहले से एक डाक वाहक ट्रेन होती थी, जैसे मालगाड़ी होती है ना, माल ढोने वाली ट्रेन, एक डाक ढोने वाली ट्रेन हुआ करती थी, जो डाक को, संदेशों को, चिट्ठियों को, पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करती थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, अरविंद कुमार जी कहते हैं कि जो यहाँ पर ट्रेन जब आई, उसके बाद जब तार सिस्टम आया, तो तार ने संवाद पहुंचाने का जो सिलसिला है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात पहुंचाने का जो सिलसिला है, उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन अब तो टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया को बदल रहा है। अर्थात टेलीफोन, वायरलेस और फिर रेडार। रेडार का अर्थ है जिससे आप टीवी देखते हैं, जिससे आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर, या फिर आप अपने मोबाइल फोन्स पर ये चैनल देख रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं। ये भी एक तरीके से एक सूचना है जो आपको यहां से दी जा रही है, यहां से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी संचार का माध्यम है, अर्थात हम दोनों, आप और हम, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने विचार, एक दूसरे को अपने विचार बता सकते हैं। तो ये भी संचार का एक माध्यम है। तो आपको संचार के माध्यमों के बारे में जानकारी होगी। ये एक कॉमन सा प्रश्न है कि संचार के माध्यम बताइए। तो संचार के माध्यम आजकल कौन-कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, वो भी संचार का एक माध्यम है, आपको बहुत सारी खबरें वो सुनाता है। और दूसरा रेडियो, रेडियो से भी आप बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुनते हैं। और दूसरा टेलीविजन, टेलीविजन से भी आपको बहुत जल्दी एक समाचार मिल जाता है, कोई भी संदेश, कोई भी सूचना आपको तक पहुंचाई जाती है। तो ये संचार के बहुत ही ज्यादा तेज और फास्ट तरीके आज के समय में आ गए हैं। और जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है, इंटरनेट सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा फुर्तीला संचार का साधन हम इसको कह सकते हैं, इंटरनेट, जो कि आज के समय में हर एक व्यक्ति की परम आवश्यकता बन चुका है, वो भी बहुत ज्यादा चलन में है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं कि पत्रों की कितनी ज्यादा महत्ता हमारे जीवन में है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, उसके बाद भी क्या पढ़ते हैं कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था, क्योंकि अगर जो चीज ज्यादा चलन में होती है तो उसको हम हमेशा मॉडिफाई करते रहते हैं, उसमें हम हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले के समय में संचार का जो माध्यम था वो केवल पत्र ही थे। तो पिछली शताब्दी में, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष का समय, अभी हमारा 2000 चल रहा है, तो 2000 से पहले की शताब्दी थी,
1900 की शताब्दी, तो उस समय पत्र लेखन की जो कला थी उसको एक नया रूप दिया गया। सबसे पहले डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र सांस्कृतिक विरासत सॉरी पत्र सांस्कृतिक विकसित संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लेखन का विषय विषय में भी शामिल किए गए। देखिए पत्र, चूंकि बताया गया है कि जो पत्र है, लेटर्स है, उन्होंने जितने भी साहित्य का जो विकास हुआ है, चाहे हमारे देश का विकास हुआ है, उसमें पत्रों की अहम भूमिका रही है, पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसीलिए संस्कृति को विकसित करने के लिए पत्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में भी लेखन में शामिल किया गया। और भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। और मेन विश्व डाक संघ जो है उसने, विश्व डाक संघ क्या होता है, देखिए हर चीज को हम एक कंट्रोल रूम होता है, हर चीज का एक संघ होता है। पहले वो ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर राज्य के लेवल पे होता है, फिर देश के लेवल पे होता है, फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है। तो यहाँ पर विश्व डाक संघ, यानी कि जो पूरे विश्व का डाक संघ है, उसने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। क्या प्रयास किए कि जो पत्र लेखन है उसको सुधारा जाए, पत्र लेखन की जो कला है उसको सुधारा जाए, पत्रों का की जो डाक व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया विश्व डाक संघ ने। उन्होंने क्या प्रयास किया, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी कि आप देखते होंगे कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक की जो क्लासेस होती है वहां पर हिंदी व्याकरण का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पत्र लेखन आपको सिखाया जाता है, लेटर्स लिखना आपको सिखाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उन्होंने किया कि उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया। और दूसरा, 16 वर्ष से कम आयु की वर्ग के बच्चों के लिए उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया। क्योंकि प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला क्यों शुरू किया, प्रतियोगिता से क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे वो हमारी कपड़े पहनने से लेकर हो, ड्रेसअप से लेकर हो, चाहे हमारे खाने पीने से लेकर हो, चाहे हमारे स्टेटस से लेकर हो, चाहे हमारे पढ़ने से लेकर हो, चाहे किसी भी चीज से लेकर हो, अगर हम एक बार प्रतियोगिता के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो फिर सुधार आना निश्चित होता है। यानी कि हम देखने लगते हैं कि हमें दूसरे वाले से कुछ बेटर लिखना है, दूसरे वाले से कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो प्रतियोगिताएं इसीलिए आयोजित की गई कि बच्चों में पत्र लेखन की एक नई कला उजागर हो, बच्चे अपने नए तरीके से कुछ नया तरीका लगाएं पत्रों को लिखने का, कुछ नई सोच उसमें शामिल करें और कुछ नया उसमें जोड़ें। तो पत्र लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू हो गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। ये बात सत्य है, ये बात सच है कि शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास के कारण, देखिए क्या हुआ है, शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास के कारण तथा अन्य कारणों से पत्रों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है, लेकिन देहात का जो इलाका है, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहां पर आज भी चिट्ठियां से ही चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। भले ही फैक्स ईमेल ने चिट्ठियों को कुछ हद तक रोक दिया है, लेकिन व्यापारिक डाके आज भी उतनी ही संख्या में, उतनी ही मात्रा में और उसी कला में जाती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं
तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। अगर आप भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम बारीकी से पत्रों की दिशा में जाएं, तो आज तक ऐसा ना तो कोई व्यक्ति होगा कि ना तो कभी किसी ने पत्र, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने कभी पत्र नहीं लिखा होगा। देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि अब आप पत्रों को लिखना बहुत कम हो गया है। अगर आपको कोई भी संदेश अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को भेजना होता है, इवन स्कूल तक भी, स्कूल्स में भी आजकल हम क्योंकि फटाफट हमें इतना ज्यादा हम लिखने का नहीं उठाते हैं, समस्या नहीं उठाना चाहते, तो हम फटाफट मैसेज कर देते हैं, मैम आई विल नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मैं अटेंड नहीं स्कूल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, आई विल नॉट कम टू स्कूल। तो इस तरह हम छोटे इस तरह के मैसेज हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने पत्र नहीं लिखे होंगे, चाहे वो कैसे भी लिखे हो। आप देखते हैं, आप 6th क्लास में जाते हैं, 7th में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको व्याकरण का जो सेशन होता है, व्याकरण का जो पोर्शन होता है हिंदी में, उसमें आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको स्कूल में जो पत्र होता है कि आप अपने प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, कि अगर आप बीमार है उसके लिए आप पत्र लिखिए, ये आपको सबसे पहले लिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता है कि आप लिखिए कि आपको फीस माफी के लिए पत्र लिखना है, फिर आप पत्र लिखिए कि आपको अपने भाई को बधाई संदेश देना है कि वो परीक्षा में फर्स्ट आया है, फिर आपको पत्र लिखना सिखाया जाता है कि अब आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि आपको स्कूल की फीस भरनी है या पुस्तकें मंगानी है, आप हॉस्टल में हैं। इस तरह के पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की जो आपकी क्लास होती है उसमें आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको सिखाया जाता है कि आप कुछ ऐसे जो पत्र होते हैं, व्यावसायिक जो पत्र होते हैं या फिर प्रशासनिक जो पत्र होते हैं, कि आप लिखिए आपके इलाके में कई दिनों से बिजली गायब है, तो आप बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए इस बारे में कि आप जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था शुरू करें, या आपके एरिया में पानी का गड्ढा बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, उससे बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है, तो उसके ऊपर आप स्वास्थ्य विभाग को और जो आपका नगर निगम है उसको आप पत्र लिखिए। तो आपने कभी ना कभी, हर व्यक्ति ने, चाहे वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक सहकारी या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, कभी ना कभी पत्र अवश्य ही लिखा होगा। और पत्रों का बेसब्री से इंतजार जिसने ना किया हो, और पत्रों का इंतजार भी हम उतनी ही बेसब्री से करते हैं, क्योंकि जैसे कि पहले ही पंक्ति में हमने बताया कि हम भले ही कितने भी ज्यादा आधुनिक हो जाए, लेकिन पत्रों से जितना ज्यादा हम इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, जितना ज्यादा हम पत्रों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उतना ज्यादा हम एसएमएस या फिर फोन कॉल से नहीं जुड़ पाते हैं। क्योंकि मैसेज, आप अपने दोस्त को अभी मैसेज करते हैं, जो आपके मन में आता है आप फटाफट फटाफट लिखते हैं, सेंड कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद आप उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो कोई भी भावनात्मक रूप उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर आप पत्र लिखते हैं तो पहले आप उस चीज को सोचते हैं, समझते हैं, और ज्यादातर जो होता है कि हम मन से सोचते हैं, जो हमारे दिल में बात आ रही है, जो हमारे मन में बात आ रही है, वो हम लिखते हैं, तो उससे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये लाइन शायद मेरे दोस्त को अच्छी ना लगे, ये पंक्ति शायद मेरे पिताजी को अच्छी ना लगे, ये लाइन शायद प्रधानाध्यापक को अच्छी ना लगे, तो बहुत सारी चीजें हम सोच समझ कर उसमें लिखते हैं, तो उसमें हम अपने दिल से मन से जुड़े हुए रहते हैं, तो लिखने वाला और पढ़ने वाले दोनों ही एक्साइटमेंट रहते हैं, दोनों ही उत्सुकता में रहते हैं पत्रों को पाने की, क्योंकि वो हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पत्र ना लिखा हो और पत्र का इंतजार ना किया हो। बचपन में क्या होता है कि आप लोगों ने भी किया होगा या आप लोग भी करते होंगे, जब हमारी हमारे दोस्त दोस्त से कट्टी हो जाती है, जब हम उससे कट्टी हो जाते हैं कि हम उससे बात नहीं कर रहे होते, तो हम उसको एक लेटर लिखते हैं कि ठीक है, तू मेरी, जो मैंने तुझे पेंसिल दी थी
थी वो मुझे लौटा देना, और जो मैंने तेरे को दिया था चीज वो मुझे लौटा देना। तो इस तरह हम मतलब किसी न किसी रूप में हम कभी ना कभी लेटर्स जरूर लिखते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज, अब आप 8th में हैं और इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे सैनिकों को तो पत्रों सॉरी हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत मोबाइल फोन्स जो है बॉर्डर पे भी चल गए हैं, और SMS, फोन कॉल, वीडियो कॉल्स वहां से भी होती हैं, लेकिन पहले के समय में इतना ज्यादा ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो सैनिक जो थे वो अपने घर से केवल पत्रों के माध्यम से ही जुड़े रहते थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता इस चीज की रहती थी कि क्या उनके घर से पत्र आएगा, या फिर उनके घर वालों को भी पत्र का इंतजार रहता था कि हमारे बॉर्डर पे जो हमारा बेटा है उसका जो पत्र है वो कब आएगा, वो किस हाल में होगा, वो सही होगा भी या नहीं होगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें इस तरह से बहुत अच्छा एक गाना है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, जो आज भी अगर हम उसको सुनते हैं तो वो हमारे मन में बहुत ज्यादा चीजें एक साथ लेकर आ जाता है, बहुत ज्यादा हमें इमोशनल कर देता है, बहुत ज्यादा हमें भावनात्मक रूप से वो जगा देता है। कि आपने सुना होगा संदेश से आते हैं वाला सॉन्ग जो है, तो इसमें यही है कि आप देख पाते हैं कि कितना ज्यादा वो उत्सुक रहते हैं अपने घर से आने वाले पत्रों के इंतजार में। और एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। एक दौर ऐसा भी था जब लोग चिट्ठियों का महीनों महीनों इंतजार करते थे। जैसे कि पहले मैंने बताया बहुत अलग अलग तरीकों से पत्र भेजने का तरीका था। तो जब डाक वाली गाड़ियां जो होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा देश विकसित नहीं हुआ था, आधुनिक नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें पीछे थी, तो पत्रों का संचार का साधन भी जो था वो बहुत ज्यादा तरीका पुराना था। तो एक पत्र को पहुंचने में काफी समय लग जाया करते थे। ये बहुत फनी भी कभी कभी हो जाया करता था कि जो चीजें हम इस महीने लिख रहे हैं जो बात वो हमें अगले 2-3 महीने में जाकर पता चलती थी। तो इस तरह से महीनों महीनों हमें पत्रों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। परिवहन और संचार के साधनों के विकास ने जो दूरी है वो बहुत ज्यादा घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही हुआ करती थी, चिट्ठी ही होती थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हों। आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता भी, हमने भी देखा है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि हमारे माता पिता जो भी वो अपने जो हमारी मम्मी होती थी खासतौर पर, अगर वो हमारे पिताजी को पत्र लिखती थी, या फिर अपने मायके में जाकर अपने पिताजी को अपनी माता को जो पत्र लिखती थी, या उनके मायके से जो भी चिट्ठियां आती थी, पत्र आते थे, उनके भाइयों के जो पत्र आते थे वो उनको सहेज कर रखती थी, संभाल कर रखती थी। क्योंकि क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमें एक दूसरे को मन से भावनात्मक रूप से हम पत्रों से जुड़े हुए रहते थे, तो उनको देश में, हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं विरासत के रूप में। या फिर जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी हैं, कवि हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी हैं या किसान हैं, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे कि लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, जो इनकी पत्र रचनाएं हैं, यानी कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे हैं, इनके जो पत्र हैं, वो एक अपने आप में एक अनुसंधान है, एक अपने आप में एक नई खोज है कि इस आखिर उन्होंने ये पत्र किस परिस्थिति में लिखा है। एक अनुसंधान खोज का एक अलग ही विषय बनाते हैं ये पत्र। अगर आज जैसे संचार के संसाधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। देखिए आप
आपने देखा होगा पिता का पुत्री के नाम संदेश। ये एक चैप्टर है जो कि पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी को इंदिरा गांधी जी को लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा ये किताब के रूप में बन गया है। अब ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने उस समय की लेकर आता है, यानी कि एक साहित्य के रूप में अब ये लिखा जा चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर पंडित आज के जैसे संचार के साधन पहले के समय में होते तो पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री को फोन करते, है ना। तो तब ये जो एक लेटर है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नहीं लिखे जाते। और जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो नहीं हो पाता। ठीक है, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। देखिए, पत्र को तो क्या होता है कि हम सहेज कर रख लेते हैं, पत्रों को हम अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बड़े बड़े लोगों के पत्र हो तो वो एक साहित्य का रूप ले लेते हैं, लेकिन एसएमएस जो होते हैं उनको हम जल्दी ही भूल जाते हैं। और अक्सर भूलना तो क्या, हम उनको डिलीट कर देते हैं, यानी कि अपने फोन से हटा ही देते हैं। हम बोलते हैं कि स्टोरेज फुल हो रहा है, चलो ये क्योंकि भले ही वो कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसकी कोई भी महत्ता नहीं रहती। संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो महान, बहुत सारी जो हमारे देश में महान हस्तियां हुई हैं, महान जो लोग हुए हैं, महापुरुष जो हुए हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं, वो यादगार या फिर धरोहर के रूप में हमारे द्वारा रखे गए हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। भारत में इन श्रेणियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। तमाम दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के जो बहुत सारे संग्रहालय हैं, वहां जानी मानी हस्तियों के जो पत्र है उनका संग्रहालय है। तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और बहुत सारे पत्र ऐसे भी हैं जो हमारे देश को, उस समय को और समाज को जानने और समझने का एक पैमाना है, एक स्केल है। क्योंकि उन्होंने पत्र लिखे हैं उस समय, तो हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने ये पत्र लिखे हैं, उस समय हमारे देश की स्थिति क्या रही होगी, क्या उस समय समय होगा। तो ये एक पैमाना, एक स्केल बन सकता है अपने देश को जानने का, उस समय को जानने का और उस समय से जुड़े हुए समाज को जानने का। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। जैसे कि भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों का शासन हमारे देश में हुआ करता था, तो कुछ अंग्रेज जो शासक थे उन्होंने, अंग्रेज ऑफिसर जो थे उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे और वो पत्र आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। ठीक है, जो कि दुनिया के तमाम संग्रहालयों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको रखा गया है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अर्थात इन पत्रों से हमें ये पता चलता है कि जो ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये कितनी ज्यादा जमीनी मजबूती लिए हुए था उस समय, कि अंग्रेज अपना सिक्का गड़ाए हुए थे और भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख कर आते थे, क्योंकि हमारे देश के लोग तब भी दुनिया के अलग अलग कोने में बसे हुए थे, जो वहां रहकर भी अपने देश की आजादी चाहते थे। तो वो लोग भी भारत में महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा करते थे और उसका एड्रेस सिर्फ इतना होता था, महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। क्योंकि देश में उस समय महात्मा गांधी जी का जो एक आंदोलन था, वो देश की स्वतंत्रता के लिए, वो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा
प्रबल था, बहुत ज्यादा मजबूत था कि वो भारत के किसी भी कोने में अगर रहते तो सिर्फ इसी नाम से कि उसमें अगर महात्मा गांधी इंडिया लिखा रहता तो जहां भी गांधी जी रहते थे वहां पर उन्हें वो पत्र मिल जाया करता था। आजादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। और गांधी जी ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे पत्र मिलते थे उन्हें और वो जवाब नहीं देते थे। पत्रों का जवाब देने में उनका कोई भी जोड़ नहीं था, वो बहुत अच्छा जवाब हर पत्र का दिया करते थे। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे और अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाई हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी भी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन्हें उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। तो उस समय जो पत्र प्रचलित थे, उस समय जो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे थे, चूंकि वो हमारे देश की आजादी से जुड़े हुए थे, हमारे देश को आजाद कराने से जुड़े हुए थे, तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनके जो नायक थे अर्थात उनको एक हीरो के रूप में लोग देखते थे, तो उनके पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया जाता था। और यह है पत्रों का जादू। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रों का जादू लोगों के ऊपर कितना ज्यादा था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो ये साहित्य रचना से जुड़े हुए यहाँ पर पत्र आपको बताए जा रहे हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र और दयानंद सरस्वती के पत्र। तो ये सारे जो पत्र हैं ये साहित्यिक विकास में इन्होंने हमारे देश के साहित्य को बढ़ाने में, साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों की जवाब देने में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ज्यादा प्रेरक है। तो ये जो चैप्टर है ये देख आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां इस पाठ में हमें मिल रही है, कितनी ज्यादा चीजें हमें इसमें सीखने को और समझने को मिल रही है और पत्रों की महत्ता के बारे में भी हमें पता चल रहा है। तो पाठ का जो शेष भाग है उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम अगले सेशन में करेंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।